पर चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी इस वक्त यूक्रेन से लौटे छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन में आपकी मेडिकल की पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो लगभग 20 से 30 लाख होता है। आप यूएस में जाएंगे, यूएस में मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा लगभग 2 करोड़ आता है। आप यूके में जाएंगे, लगभग यही खर्चा है। आप भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये खर्चा 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप यही पढ़ाई करना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 लाख रुपए में ये पढ़ाई अपने देश में, अपने घर में, अपने जनपद में ये पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में। और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 33 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, गोरखपुर का एम्स भी चालू हो चुका है, रायबरेली का एम्स भी चालू हो गया है। 33 नए जो मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं, यानी उसमें से 17 को हम चालू कर चुके हैं, 8 को हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ किया, 9 को इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 21 में चालू किया, उनमें एडमिशन भी हो गए हैं, नीट के माध्यम से उनमें एडमिशन हो चुके हैं, और 14 पे हमारा बाकी शेष 15-16 पर हमारा काम वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम लोग 23 में उनमें नया सत्र प्रारंभ करेंगे। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज़ादी के बाद जो ध्यान होना चाहिए था नहीं दिया गया, लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान है और आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज तो हरदोई में भी हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं, कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उन्नाव में पहले से मेडिकल कॉलेज चल रहा है, हर एक जनपद में, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, प्रतापगढ़ में इसी सत्र में प्रारंभ हुआ है, यानी हर जनपद में। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गोरखपुर में पहले से मेडिकल कॉलेज था, एम्स प्रारंभ हो चुका है, देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में नया मेडिकल देवरिया का मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो गया है, बस्ती में विगत वर्ष हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं मेडिकल कॉलेज। ये सभी हर जनपद में कुछ ना कुछ नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, जिससे सीट्स बढ़े और यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा यहीं पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके और सस्ते में प्राप्त हो सके, ये एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष इस पर ध्यान भी है। आप लोगों ने यहाँ पर रखी है, भारत सरकार उस पर पूरा चिंता व्यक्त कर रही है और भारत सरकार उस पर स्वयं भी चिंतन कर रही है कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अब MBBS में फाइनल ईयर था, या जो फोर्थ ईयर के थे, या थर्ड ईयर के हैं, सेकंड ईयर में हैं, इनकी आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखी जा सकती है, इस पर नेशनल मेडिकल काउंसिल भारत के अंदर बना हुआ है। जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, वही नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में इसमें भारत में काम कर रहा है। सरकार का उसके साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, अलग अलग दौर की बातचीत चल रही है। और ये मान के चलिए, जो यहाँ पे अभी शिवेंद्र ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के भविष्य के प्रति, पहले आपकी सुरक्षा आवश्यक थी, सुरक्षित वापस करने की तैयारी, 4-4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी देश के मंत्री आपने नहीं देखे होंगे जो बॉर्डर पर रह करके अपने देश के नागरिकों को बचा रहे हों, अकेले भारत सरकार के मंत्री वहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 4 से 5 बार बैठक कर चुके हैं और वहां रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं, लगातार अगल बगल के देशों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बातचीत करके सुरक्षित अपने नागरिकों निकाल करके सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये आप सबके सामने है। धैर्य के साथ, हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, दो चीजें जीवन में, एक तो व्यक्ति का धैर्य विपत्ति के समय उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। धैर्य के साथ आपके अभिभावक ने इस संकट के समय में अपना धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया,
आप सभी सुरक्षित अपने घरों को आए हैं। और भी बच्चे जो हैं उनको भी लाने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज 11 फ्लाइट आ रही हैं वहां से, जिनसे भारत के नागरिक वहां से वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, सुरक्षित उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था। एक तो हमें संकट के समय धैर्य का परिचय देना, उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो लोग अनावश्यक भड़काने का काम करते हैं। और फिर किसी भी सफलता पर, आप एक डॉक्टर हैं, आप जब किसी ऑपरेशन को करेंगे तो ऑपरेशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है ना। आप ओटी में जाएंगे, ओटी में जाकर के आप जब जिस बीमारी से संबंधित ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जब उस पर फोकस करेंगे अपने आप को, तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ओटी में गए, ऑपरेशन करके कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा है, कोई अंदर जबरदस्ती घुस करके आपके साथ बातचीत करने लग गया है, तो क्या आप एक सफल ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब सरकार इस ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने की तैयारी कर रही है, इस समय अगर कोई अनावश्यक राजनीति करके इस कार्य में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की साजिश का वो हिस्सा होगा, क्योंकि वह सरकार के ध्यान को हटाना चाहता है, जो फोकस है। भी प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने चार चार मंत्रियों को कैंप कराया है, लगातार सभी एम्बेसी, सभी जितने भी हमारे अन्य दूतावास हैं, सभी लोग उस कार्य के साथ जुटे हुए हैं, सभी अधिकारी लगे हैं, सभी पूरी सरकार लगी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन चीजों को हमें देखना चाहिए कि किस अच्छे ढंग से सरकार इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा करके सफलतापूर्वक एक एक नागरिक के जीवन को बचाने की दिशा में प्रयास की है। एक अभिनंदनीय प्रयास है, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा, फर्स्ट स्टेज में सुरक्षित वापस लाना, सभी बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, ये ध्यान सरकार का है। और फिर सेकेंड स्टेज में आगे की आपकी फ्यूचर के बारे में आगे की प्लानिंग क्या होनी है, एनएमसी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों संवाद बनाए हुए हैं, तो सुरक्षित वापसी के बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अपने घर में रह करके तत्काल पहले अपने कार्यक्रम को उसको रिपीट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, फिर बाद में उसके बारे में भी सरकार जरूर बच्चे बातचीत करेगी। और हम लोग, मेरा प्रयास होगा कि एक बार जितने भी बच्चे वहां पर रहते हैं, लगभग 2400 बच्चे हमारे हैं यूपी के, उन सबको एक बार बुलवा करके फिर उनके बारे में कोई ना कोई एक रास्ता हम लोग निकालेंगे। इसमें भारत सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है, भारत सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास अपने प्रारंभ किए हैं, लेकिन आज पहली प्राथमिकता वहाँ रेस्क्यू का है कि सुरक्षित अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को और अपने बच्चों को वापस लाने का है। और ये प्रयास आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबका एक बार फिर से आपकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित वापस अपने घरों को आए हैं। आपके माँ बाप, स्वयं आपके जो अभिभावक हैं, माताजी पिताजी आपके हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को लेकर के आपको अपने बीच में पा करके, क्योंकि भारत से बहुत दूर रह करके मेडिकल की पढ़ाई करना और वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए अपने आप में एक संकट होता है, क्योंकि जब कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब गिरता है तो वो तो किसी का चेहरा देखता नहीं है, वह तो जहाँ गिरेगा उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करके जाता है। इसलिए आपकी सुरक्षित वापसी पहली शर्त थी और वो प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया गया है। सेकंड, अन्य चीज़ों को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी हैं तो मुमकिन है। एक अभिभावक कभी भी इतने सफल और इतने व्यवस्थित ऑपरेशन कभी नहीं हो पाए थे जितना आज हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, आपने बॉर्डर पर देखा होगा, आपने एम्बेसी के व्यवहार को देखा होगा, आपने अन्य चीजों को देखा होगा, कितने संवेदनशील तरीके से एक अभिभावक के सदस्य के रूप में, एक परिवार के अभिभावक के रूप में ये सभी कार्य करते हुए दिखाई दे होंगे। एक बड़ी बात होनी चाहिए और इसको एप्रिसिएट भी करके
दूसरा जीवन में कुछ बनना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक सकारात्मक सोच, हमें अच्छा करना, अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा ही होगा, ये मान करके चलना चाहिए। और अच्छा हम सोचें, अच्छा करें तो परिणाम को अच्छा लाएंगे, ये भी विश्वास हमारा होना चाहिए। फिर वापसी के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपके माता पिता का, जिन्होंने धैर्य के साथ आपकी सुरक्षित वापसी का इंतजाम हो हल्ला के उन्होंने सरकार पर विश्वास किया, परिणाम सामने है, ये सकारात्मक अप्रोच होती है। और बाकी जो बचे हैं वे सभी वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, ये प्रयास सरकार का अपने स्तर पर है। तो मैं आपका और आपके पूरे सभी अभिभावकों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी रात्रि को कल आया हूँ, तो मैंने इसीलिए एक दिन पहले कहा था कि भाई मैं एक बार उन सभी बच्चों से मिलना चाहूँगा। इतनी बड़ी संख्या थी, 1400 बच्चे आ गए हैं यूपी के, कुछ से प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में संवाद किया है, कुछ से मैंने यहाँ पर मैंने आप लोगों को बुलाया, बाकी और लोगों को भी समय समय पर हम लोग बुलाएंगे, और एक बार आवश्यकता पड़ेगी तो सभी लोगों को बुलाकर आगे की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी पहले निश्चिंत होकर के जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए आप सुरक्षित वापस आ गए, और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, ठीक। अब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखिए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से बात कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, और उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी उचित कदम है वो सरकार उठाएगी, इस पर हम काम भी कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटे यूपी के 52 छात्र छात्राओं से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे थे, उनके अनुभव को भी समझा, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में वहाँ पर बच्चों ने सर्वाइव किया, बॉर्डर तक वो कैसे पहुँचे, उसके बाद की व्यवस्थाएं और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ये तमाम अनुभव जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से संवाद कर रहे थे। यूपी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ये भरोसा दिया गया है, आगे की पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से संवाद किया।